दिल्ली में प्रदूषित हवाओं जैसा असर औद्योगिक शहर पानीपत में भी है, क्योंकि पानीपत भी दिल्ली एनसीआर का ही शहर है। सोमवार सुबह जब लोग तैयार होकर घरों से बाहर निकले तो धुएं और धुंध का असर हवा में ऐसा था कि कई लोग आंखों में जलन महसूस करने लगे। दरअसल पिछली दिवाली पर भी ऐसा ही नजारा था। पानीपत के बीचों बीच से गुजर रहे पुराने जीटी रोड पर लंबा जाम होने के चलते प्रदूषण और बढ़ गया। एक जो प्रदूषण, जो लोगों ने पराली जला रखी है खेतों में, और ऊपर से ये जो एनवायरनमेंट मतलब कि जो चेंज हुआ है आजकल में ही बरसात के बाद, ये धुंध पड़ गई है, इससे घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। सुबह के टाइम में धुंध भी काफी बढ़ रही है और आंखों में अजीब सी जलन होती है, जिससे कि हम जो है सैर करने के लिए जाना भी अच्छा नहीं समझते और ना ही वहां पर कोई हम मतलब व्यायाम कर सकते। सुबह स्कूल कॉलेज जाने वाले टीचर्स क्या कहते हैं? बस मेरा यही कहना है कि पहले जब हम सैर करने के लिए जाते थे तो ऐसा लगता था कि थोड़ा मतलब आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं तो ऐसा तरोताजा या ठंडी हवा और मतलब फ्रेश फील होता था। आजकल जब हम जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके हो गए हैं, जनसंख्या बढ़ गई है, और तो हम आजकल सुबह जब सैर के लिए जाते हैं तो आंखों में जलन और इरिटेशन और ऐसा लगता है जैसे एलर्जिक हमें फील होता है, तो मुझे लगता है कि प्रदूषण ही इसका कारण है। हालांकि कोर्ट और एनजीटी ने पानीपत में भी प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री को 11 नवंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। निर्माण कार्यों पर भी रोक लगी हुई है। इसके बावजूद चोरी छिपे कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को नसीहत देते हैं। इसीलिए तो अपना देश विविधताओं वाला देश है, इसीलिए तो अंग्रेज यहाँ 200 साल राज कर गए। कैमरामैन धर्मवीर के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।